Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and safe, मेरी जान. So आज मैं करने जा रही हूँ सरोजनी नगर हॉल, और मैंने वहाँ पे 500 रुपीज में क्या क्या लिया ये मैं आपको दिखाती हूँ. चलो आप तैयार हो? Let's get into this video. तो चलो guys, मंगाते हैं पहली चीज. क्या ली है कुछ अलग अंदाज में? ये क्या? स्लीपर्स. हाँ, तो ये मैंने पहले लिए थे 200 रुपीज में. 350 बोला था, फिर उसके बाद उसने 250 बोला. फिर मैंने बार्गेनिंग तगड़ी वाली आपको करनी पड़ेगी सरोजनी नगर अगर आप जा रहे हो तो. उसने मतलब 200 रुपीज में मान गया था. मुझे बाद में रियलाइज हो रहा था कि शायद ये 150 में भी मान गया. और ये बहुत सॉफ्ट है, कम्फी है, डेली पर्पस से आप वेयर कर सकते हो. बहुत अच्छी लग रही है. और ये पर्पल कलर मुझे इतना प्यारा लग रहा है. चलो फिर ये तो हो गया मेरा फर्स्ट परचेज. गाइस हमने सेकंड चीज क्या ली, चलो देखते हैं. इतु पितु जिम पतुता पालिया. ये मैंने ली है जस्ट ₹30. और इसका मटेरियल भी ना हैवी है ना ज्यादा लाइट है, मतलब मुड़ नहीं सकती, इतना तो है एटलीस्ट. और लाइट वेटेड है, बहुत टाइम तक वियर कर सकते हो इसको. और ये जैसे लखनवी कुर्तियों के साथ पहनने में बहुत अच्छी लगेगी. और ये बहुत ट्रेंडी भी है तो अच्छी लगती है. बंजारा और बोहो कह लो थीम के साथ बहुत अच्छी जाएगी. सो आई लाइक दिस क्यूट सी वाली. तो गाइज मैंने थर्ड परचेजिंग क्या करी? यस यू आर राइट, मैंने इयररिंग लिए है. इन इयररिंग लिए, बहुत ही क्यूट लग रहे थे. चलो दिखाती हूँ आपको कैसे हैं वो. प्रिटी प्रिटी. ये है पेस्टल शेड में येलो एंड पिंक और वाइट कलर के. बहुत ही क्यूट से लगे मुझे, बहुत प्यारे लग रहे थे. ये बहुत क्लासी लुक दे रहे थे. तो फिर मैंने एक्चुअली, मुझे लगता है ये मैंने काफ़ी कॉस्टली ले लिए. इट्स फॉर 100 रुपीज़. वो कम कर सकते थे बट उन्होंने किया नहीं. मैंने काफ़ी ट्राई किया बट मुझे ये अच्छे लगे इसलिए मैंने ले लिया. नाइस ना. एंड नाउ फोर्थ वन. गेस अगेन. बट नहीं, ये लास्ट है, आई प्रोमिस ये लास्ट है इयररिंग. ये भी मुझे बहुत काफी क्यूट से लगे तो मैंने ले लिया. तो वो कैसे हैं दिखाऊं? ता-दा! Look at this beautiful birds. क्यूट लग रही है ना, काफी क्यूट. इट्स फॉर 50 रुपीज. बहुत प्रिटी लगे मुझे. वहाँ पे और भी थे, मेरा मन कर रहा था सब ले लूँ बट मुझे ये कुछ, ये जो थे तीन इयररिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए. एक तो मैंने इंडियन वियर के साथ लिए, दो वेस्टर्न. सो ये तो इयररिंग था. सो गाइज मैंने फिफ्थ आइटम क्या लिया, जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जब बहुत ज़्यादा वियर कर लेते हो सेम और विदाउट वॉश अगर आप यूज़ करते जाओगे तो. बिल्कुल सही. तो वो है बट इनमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है. ये मैंने लिए हैं 40 रुपीज के. यस 40 रुपीज के 3 पेयर लिए हैं वहां पे. वो भैया रास्ते में, आप जब वीडियो देखोगे तो आपको दिखेगा भैया वीडियो रास्ते में ये लोग घूमते रहते हैं. तो ये आपको, एक तो इनके पास वुडलैंड की कॉपी होती है और सॉक्स भी होते हैं तो आप उनसे ले सकते हो सॉक्स. मुझे लगा काफी अच्छा ये परचेजिंग रहेगा. तो गाइज मैंने जो 6 परचेजिंग करी थी वो करी थी एक खूबसूरत हैंडमेड एंकलेट की. सो देखना चाहोगी वो कैसा दिखता है? यस दिस इज सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस. मुझे बहुत पसंद आया ये एंकलेट है. इसको आप ब्रेसलेट की तरह भी वेयर कर सकते हो और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा. लुक एट दिस. ये हैंडमेड है. नाइस ना. सो ये मैंने लिया था 20 रुपीज का. सो द लास्ट वन मैंने क्या लिया, मैंने इसको लास्ट के लिए सेव करके रखा था क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट परचेजिंग है और वो भी क्लोथिंग में. तो देखना चाहोगी?
चलो दिखाती हूँ। श्रृंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग जल्दी ये। तो ये मैंने ली थी वहां से सरोजनी नगर से, कॉटन की है और बहुत प्रिटी लग रही है। शर्ट मुझे पड़ी 100 रुपीज में, जस्ट 100 रुपीज में, कैन यू इमेजिन। और इतना अच्छा इसका फैब्रिक, इतना सॉफ्ट है, कॉटन है प्योर, और बहुत क्लासी भी लग रहा है एज यू कैन सी। तो ये थी मेरी सरोजनी नगर हॉल, जो कि मैंने इस बार काफी बजट फ्रेंडली होकर 500 रुपीज में अपनी परचेजिंग डन कर दी। सो अगर मैं 500 रुपीज में परचेज कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो अगर गाइज आप कोई भी ऑफिस गोइंग है तो वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो, क्योंकि डेली एक्सपेंसिव कपड़े लेने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और वहाँ पे अगर आप ढूंढोगे तो ब्रांड भी मिलेगी। सो जाना और इन्जॉय करना, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कौन कौन मेरी वीडियो देख के गया है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे यार। और गाइस कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी आप प्लीज़ बताना, और अपना प्यार देना कमेंट के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई लव यू द वे यू आर गाइस, और love you truck bhai ki, and keep loving me, keep supporting me, thanks for love you, bye, take care, dua mein yaad rakhna।